अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारे चैनल पे बन रहा है सीख कबाब हांडी, और बहुत यूनिक और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। और बहुत जूसी सीख कबाब बनेंगे। आप इसको ग्रिल करें, फ्राई करें और इसको ग्रेवी के साथ रेडी करें। तो आएँ, सबसे पहले मैंने कीमा लिया है। आप मैंने बीफ़ का कीमा लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, मटन का, चिकन का, सब कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अब मैंने प्याज़ और अदरक लहसुन की पेस्ट और हरी मिर्चें 3 से 4 और कुछ स्पाइसेस डाले थे मैंने, नमक, जैसे रेड क्रश पेपर डाली थी, कुटी हुई लाल मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा डाला और गरम मसाला। और 2 स्पून हमने इसमें बेसन डाले कि इनकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। और 1 एग डाला था। एग डाल के इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसको चॉपर में डाल के मिक्स कर लें कि अच्छी तरह कीमा भी चॉप हो जाए और सारे स्पाइसेस और प्याज और हरी मिर्ची वगैरह भी अच्छी तरह हो जाए। देखें कीमा भी और ये सबको अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें एंड में हम हरा धनिया मिक्स कर लेंगे, जितना आपको पसंद हो, जितना आप डालना चाहें ऐड कर लें हरा धनिया। हरा धनिया अच्छे से मिक्स करके और इसके ना छोटे छोटे सीख कबाब बना लें। ज़रा थिन से बनाने हैं कि जो ग्रेवी उनमें अच्छी तरह हो जाए। और पतले पतले ऐसे करके जितने बनते हैं, 8 से 10 तो ईज़िली बन जाएंगे। तो सीख कबाब बना लें इनके। बना इस स्टेज पे आप थोड़ा सा कीमे का ना स्पाइसेस चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्राई करके कि इसमें स्पाइसेस वगैरह पूरे हैं, नमक वगैरह, मिर्च वगैरह पूरी करके आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा पहले। फिर इसके बाद बना के अब इसको जो भी करना है, फ्राई करना है या आपके पास ग्रिल पैन है, हल्का सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस करके ग्रिल कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, जो आप जैसा चाहें इसको कर लें। फ्राई पैन में फ्राई डाल के फ्राई कर लें इसको। तो ये 8 से 10 मिनट में जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। हल्की फ्लेम स्लो रखना है क्योंकि कीमा है ना, और ये जल्दी से पक जाए। तो चलो जी, हम इसकी जल्दी से ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने 2 प्याज लिए थे और उसमें मैंने लहसुन अदरक मिक्स करके और इसको हल्का सा फ्राई किया था। और फ्राई करके मैंने इसमें टमाटर डाले थे, 3 से 4 टमाटर ऐड कर दें। और बस 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करना है टमाटरों के साथ। और फिर इसकी ब्लेंडर में डाल के या चॉपर में डाल के अच्छे से एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। और उस पेस्ट को हमने बना के अच्छे से, और फिर इसको हमने ऑयल में, कढ़ाई में डाल लेना है और इसको अच्छे से हल्के से भूनना है। बस 1-2 मिनट भूनना है कि ऑयल इसका ऊपर आ जाए। और फिर हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर देनी है, ब्लैक पेपर, रेड पेपर नहीं डालनी, क्रश्ड रेड पेपर डालनी है, बस कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, पिसी हुई नहीं डालनी। और नमक डाल दें, ज़ीरा, धनिया सूखा हुआ, जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, बस वो डाल दें। और इसमें हम अब जो हमने फ्राई किए थे सीख कबाब वो डाल दें, अच्छे से इसको मिक्स कर दें, ग्रेवी हल्की सी इस पर लग जाए। और इसमें मैंने 1-2 चम्मच पानी के डाल के और इसको मैंने ढक दिया था। और एंड में आप इसमें क्रीम डाल दें, डेरी मिल्क किसी भी ब्रांड की क्रीम, ऑलपर्स की मैंने ऐड की, यूज़ की थी, आप डाल के 2 से 3-4 स्पून इसको हल्का सा ढक्कन लगा दें ताकि क्रीम और ऐड हो जाए, सब कुछ मिक्स हो जाए। और जी, रेडी हो गया हमारा सीख कबाब हांडी झटपट। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है।